मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही चुनावी हलचल का शोर थम गया है। महापौर पद के प्रत्याशियों और पार्षद पद के उम्मीदवारों ने मतदाताओं का आभार प्रदर्शन किया, साथ ही लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह करने के लिए मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद महापौर पद के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने 79 वार्डों के मतदाताओं का मतदान करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उसके लिए सभी को साधुवाद देते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जबलपुर की पूरी जनता को हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा टर्नआउट, लगभग 65% के शायद ऊपर कुछ वोटिंग हुआ है ऐसा मुझे लगता है। अभी आंकड़े आना बाकी है, पर अंदाज़ ये है कि 65 और 70 के बीच में वोटिंग हुआ होगा, जो रीजनेबली अच्छा वोटिंग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए या मद्देनज़र रखते हुए कि शुरुआती 3-4 घंटे बराबर लगातार रिमझिम चलती रही और थोड़ा बल्कि रिमझिम से हल्का ज़्यादा बरसात होती रही, उसके कारण और उसके बावजूद भी 65% के ऊपर जो मतदान हुआ है, मुझे लगता है कि जबलपुर संस्कारधानी की जनता वास्तव में साधुवाद की पात्र है। मतदान हो चुका है, लगभग 65% का मतदान मुझे ऐसा लगता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एक तो शुरू में पानी गिरा, उसके बाद जो वोटर लिस्ट थी उसमें इतनी गड़बड़ियाँ थी, इसके पहले इतनी गड़बड़ियाँ वोटर लिस्ट में नहीं देखी गई, नहीं तो आज ये मतदान शायद 72-74% के आसपास होता। खैर, जबलपुर शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका स्नेह और आशीर्वाद इतना मिला, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्नेह और आशीर्वाद संस्कारधानी के लोगों ने मुझे दिया, मैं जीवन पर्यंत एहसानमंद रहूँगा। वहीं पार्षद के सभी प्रत्याशियों ने भी मतदाताओं के प्रति आभार जताया है।